जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगर इस घड़ी का मतलब क्या, तो जो व्हाट्सएप में किसी का प्रोफाइल के आगे में जो रहता है शो करता है वही प्रोफाइल, इस घड़ी का मतलब क्या रहता है, अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें, तभी आपको पूरी तरीके से समझ आए कि व्हाट्सएप में आखिर एक दिया क्यों जाता है और क्यों रहता है, इसके लगाता क्यों, हर किसी के पास क्यों नहीं रहता, किसी किसी के पास क्यों रहता है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में हमने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हो रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर हमें इसको सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को प्रेस कर दिया, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन हमारे चैनल में आते रहते, सबसे पहले देखने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी व्हाट्सएप आपको ये व्हाट्सएप में हर किसी व्हाट्सएप में शो करेगा, तो मैं ये व्हाट्सएप अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप ओपन करने के बाद देखिए मेरी यहाँ पे एक दोस्त का है, उसका यहाँ पे आईडी पे शो कर रहा है, तो इसको सबसे पहले अपने टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये आपका जो बगल में जो शो कर रहा है यहाँ पे, इसको आपको सिंपली सी टैप करना है। ये आइकॉन को टैप करने के बाद देखिए ऊपर स्क्रॉल को थोड़ा ऊपर कीजिए, स्क्रॉल को ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए ये इसका डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे जाइएगा, इसको इसको एक बार टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये आपका मैनेज टाइमर रहता है, जैसे कोई भी आप चैट किए, ये दोस्त से आपने चैट किया, चैट करने के बाद चाहते कि ऑटोमेटिक ये इतने दिनों के बाद, इतने घंटे के बाद अगर ये डिलीट हो जाए तो आपको यहाँ से शो किया जाता है। जैसे 24 घंटा हो गया, 7 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, ऑफ ये होता है। अगर 24 घंटा के अंदर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो 24 घंटा सेट कीजिए, 7 दिन के अंदर अगर करना चाहते हैं तो ये हो गया, 90 दिनों के अंदर करना चाहते हैं तो 90 दिनों के अंदर हो जाएगा, अगर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए और बैक आ जाइए। देखिए ऑटोमेटिक इसके प्रोफाइल से हट चुका हो, देखिए यहाँ पे पहले अगले वाले में था, आप नहीं है, ये हुआ, इसका ये काम होता है। अगर आप इसको चाहते फिर से इसको करने के लिए, फिर वही से जगह पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर फिर से आपको ये आपको शो कर देना पड़ेगा। देखिए ये आपको फिर से ये मेरा चालू हो चुका, देखिए ये देखिए यहाँ पे मेरा फिर से ये चालू हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो फिर मिलते हैं इस तरह वीडियो लगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।